तो कैसे हो देवियों और सज्जनों, आज हम उस मूवी के बारे में बात करेंगे जो गैंगस्टर और माफिया की जिंदगी पे आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। खास बात यह है कि ये सारी की सारी फिल्म यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी। हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। काम हो तो जाएगा, अब सुपारी लिए तो चूना नहीं लगाऊंगा। पहली फिल्म है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जो 2010 में रिलीज की गई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम की रियल लाइफ में घटित घटनाओं पे बनाई गई। लीड रोल में अजय देवगन, रणदीप हुड्डा और इमरान हाशमी नजर आएंगे। हमारी जिंदगी का एक मकसद है, बदला। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। अगली फिल्म जो दो पार्ट में बनाई गई थी, नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो 2012 में रिलीज की गई। यह क्लट क्लासिक धनबाद और झारखंड के कोयला माफियाओं खान और कुरैशी परिवारों पे आधारित। फिल्म के मुख्य भूमिका में मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आएंगे। अगली फिल्म सत्या, जो 1998 में रिलीज की गई। यह मुंबई के अंडरवर्ल्ड गैंग और सत्या नाम के एक गैंगस्टर के उदय पे आधारित है। फिल्म के मुख्य भूमिका में जेडी चक्रवर्ती, मनोज बाजपेयी और परेश रावल नजर आए थे। मुंबई हमारी है, उसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं। अगली फिल्म हसीना पारकर, जो 2017 में रिलीज की गई। यह फिल्म दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के जीवन पर आधारित थी, जो आगे चलकर अंडरवर्ल्ड की क्वीन बन जाती है। लीड रोल में श्रद्धा कपूर नजर आएंगी। बहुत से डरता है, मैं किसी से नहीं डरता। अगली फिल्म कंपनी, जो 2002 में रिलीज की गई थी। यह फिल्म छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के जीवन पर आधारित है। फिल्म के मुख्य भूमिका में अजय देवगन, मोहनलाल, विवेक ओबेरॉय, विजय राज नजर आएंगे। जिसने भी हफ्ता दिया अगला हाथ उसका कटेगा। अगली फिल्म मुंबई शागा, जो 2021 में रिलीज की गई थी। यह फिल्म 1980 और 1990 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के दृश्य पे आधारित है और एक गैंगस्टर की लाइफ को बताती है। मुख्य भूमिका में इमरान हाशमी, जॉन अब्राहम और सुनील शेट्टी नजर आएंगे। इस साल से इंडिया मोस्ट वांटेड टेररिस्ट कराची को अपना ससुराल बना के बार बार हम पे वार किए जा रहा था। दुनिया मुझे टेररिस्ट समझती है जनाब, मैं तो बिजनेस करता हूँ। अगली फिल्म डीडे, जो 2013 में रिलीज की गई थी। कहा जाता है कि यह फिल्म दाऊद इब्राहिम और रॉ एजेंटों पर आधारित है, जिन्होंने उसे पाकिस्तान में पकड़ने का प्रयास किया था। फिल्म की मुख्य भूमिका में अर्जुन रामपाल, ऋषि कपूर, इरफान खान और श्रुति हसन नजर आएंगी। पुलिस आएगा ना बत्ती लगा के तो बोलने का माया भाई आया था। इस लिस्ट की आखिरी फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला, जो 2007 में रिलीज की गई थी। यह फिल्म 1991 में गैंगस्टर और मुंबई पुलिस के बीच लोखंडवाला में हुई शूटिंग पे आधारित है। फिल्म के मुख्य भूमिका में विवेक ओबेरॉय, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, तुषार कपूर, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे। ये सारी की सारी मूवी जबरदस्त है, एक बार देखना तो जरूर बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।